24 अक्टूबर को एक साथ मनाई जाएगी छोटी और बड़ी दिवाली। नरक चतुर्दशी और दिवाली का ऐसा संयोग करेगा धमाल। इस खास संयोग में मां लक्ष्मी संग श्री कृष्ण की पूजा से मिलेगा विशेष लाभ। जाने छोटी और बड़ी दिवाली दोनों का शुभ मुहूर्त। नमस्कार दोस्तों, दिवाली में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। धनतेरस से इस पर्व का आरंभ हो जाता है, इसके बाद नरक चतुर्दशी आती है और फिर दिवाली मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, छोटी दिवाली और नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस साल तिथियों का ऐसा संयोग बन रहा है कि इस बार दिवाली और छोटी दिवाली आप एक साथ मनाएंगे। जी हाँ, दरअसल होता यह है कि आमतौर पर दिवाली से एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। लेकिन इस साल चतुर्दशी और अमावस दोनों का ऐसा संयोग बन गया है कि जिसमें छोटी दिवाली के दिन ही दिवाली मनाई जाएगी, जबकि धनतेरस इस बार 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में छोटी दिवाली और दिवाली के शुभ मुहूर्तों के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही दिवाली की रात क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 23 अक्टूबर को शाम 6:03 पर होगा और इसका समापन अगले दिन शाम 5:27 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से छोटी दिवाली 24 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी, तो वहीं इस दिन अभ्यंग स्नान मुहूर्त प्रातः 5:06 से सुबह 6:27 तक रहेगा। चलिए अब आगे जानते हैं दिवाली का शुभ मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5:27 पर होगी और अगले दिन 25 अक्टूबर को शाम 4:18 पर समाप्त होगी। चूँकि 25 अक्टूबर को शाम में यानी कि प्रदोष काल लगने से पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है, ऐसे में दिवाली का पर्व इस दिन नहीं बल्कि 24 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार जिस दिन शाम में और मध्य रात्रि में अमावस्या होती है उसी दिन दिवाली मनाते हैं। तो ऐसे में नरक चतुर्दशी और दिवाली के इस खास संयोग में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा से धन सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ बताते चलें कि इस दिन प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 5:43 से रात 8:16 तक रहेगा, तो वहीं लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रात 6:53 से 8:16 तक रहेगा। इसके अलावा दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए महानिशीथ काल मुहूर्त 24 अक्टूबर को रात 11:40 से पहले दिन 12:31 तक रहेगा। अब आपको बताते हैं कि दिवाली की रात क्या करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात को मां लक्ष्मी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आती हैं और घर घर विचरण करती हैं। जिन घरों में साफ सफाई, सजावट और प्रकाश रहता है वहां पर मां लक्ष्मी अपने अंश रूप में निवास करती हैं। घर पर लक्ष्मी का वास होने पर वहां पर सदैव सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति बनी रहती है। तो ऐसे में दीपावली के पावन अवसर पर घर को साफ सुथरा रखें और दिवाली की रात घर के हरेक हिस्से में घी और तिल का दीपक जलाकर घर को रोशन करें। इससे घर की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में धन का भंडार भरती हैं। उल्ली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।